बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम टेलीफोनिक राबिते का हवाल बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर से टेलीफोनिक राबिता किया है। ऐलान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साल तकरीबात पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 दहाइयों में चीन से गुरबत के खात्मे और असलाहत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। गुफ्तगू के दौरान दोतरफा स्ट्रेटेजिक तआवुन पर मबनी शराकत दारी के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोतरफा अमूर और शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ चीन के इकदामात की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने चीन की तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए इंसदाद कोरोना इमदाद को भी सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रियाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात हुई, जिसमें दोतरफा तालुकात के साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हमनसब को अफगानिस्तान में उभरते हुए इंसानी बहरान के ख़तरे से आगाह करते हुए आलमी बरदारी की जानिब से ठोस और मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का सदर मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा 10 रोज़ा बरतानिया और यूरोप के दौरे पर हैं। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम पहुँचने पर बड़ी तादाद में कश्मीरियों की जानिब से ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पीटीआई के कारकुनान के अलावा दीगर जमातों के अहदेदारान ने भी भरपूर शिरकत की और लंदन में होने वाले यौम सियाह के एहतजाज में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी करवाई। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काजमी की इस रिपोर्ट में। सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का सदर का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा बर्मिंघम का दौरा। चौधरी खादम हुसैन, गफूर खाड़क, रऊफ मुगल, मोहम्मद रकीब के अलावा दीगर जमातों के अहदेदारों ने भी रवायती अंदाज में ढोल की थाप और फूलों की पत्तियों के साथ इस्तकबाल किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बरतानिया में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के हवाले से अपनी प्लानिंग के बारे में ओवरसीज कश्मीरियों को आगाह किया। मेरा ज्यादा स्ट्रेस यूरोप पर भी है, क्योंकि यूरोप का एक अपना किरदार है, बरतानिया का एक अपना किरदार है, तो मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि वहाँ पर आप जो बेहतरी है उसको लाने के लिए अपना जो किरदार है वो 26 को अपने मेंबरान पार्लियामेंट से रब्ता करें और 27 अक्टूबर आप खुद भी और जितने लोग यहाँ से आ सकते हैं। बर्मिंघम ने हमेशा बड़ा अहम किरदार अदा किया है, तो आपके पास टाइम है अभी। आप तमाम दोस्तों से कहें कि सब लोग, जैसे मैंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोग तो कुर्बानियां दे रहे हैं, हम एक अगर आधा दिन भी नहीं दे सकते तो फिर खाली तकरीरें करने का हमें कोई हक नहीं। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि सदर के ओहदे का हलफ उठाते ही उन्होंने वादा किया था कि वो मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर जारहाना अंदाज में उठाएंगे। गुज़श्ता 1.5 साल से कोरोना की वजह से बरौन मुल्क कश्मीरी मसला कश्मीर को उजागर करने में अपना किरदार अदा नहीं कर सके, तो वो अब भरपूर मुहिम चलाकर मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। मैंने जब ओथ लिया था तो मैंने एक तो मकबूजा कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था कि इंशाल्लाह बतौर सदर आज़ाद कश्मीर मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। इसी तरह मैंने आज़ादी के बेस कैंप के जो लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए भी मैंने कहा था कि मेरी हुकूमत इंशाल्लाह वो मामलात ठीक करेगी, चाहे वो मुजाहरे हों चाहे वो दीगर लॉबी हो। लेकिन 2 साल से नहीं हो सका, अब फिर हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मजीद कहना था कि गुज़श्ता माह उन्होंने अमरीका का दौरा किया, जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने आए तो उन्होंने मोदी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर ने तमाम ब्रिटिश कश्मीरियों को 27 अक्टूबर को लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर के सामने मुजाहरे में शिरकत करने की दावत भी दी। 92 न्यूज़ की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौंसलेट में कश्मीर डेस्क कायम करने के हक में नहीं है, बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीरी खुद अपनी बात करें, वो ज्यादा से ज्यादा सुनी जाएगी। इस मौके पर नुमाइंदा 92 न्यूज आबिद काजमी की मरहूम वालदा के असाला सवाब के लिए दुआ भी की गई। साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर और मुस्लिम लीग स्वात के चेयरमैन एजाजुल हक कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के लिए खिदमात मिसाली हैं। निजी दौरे पर आया हूँ, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। पीटीआई हुकूमत को महंगाई, बेरोजगारी और मईशत के मसाइल को फौरी हल करना होगा।
रॉशटेल में नुमाइंदा 92 न्यूज राजा वाजिद से गुफ्तगु करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। रॉशटेल के साथ एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा 1970 में मैं पहली दफा आया था यहाँ पे, जब बहुत से लोग यहाँ पैदा भी नहीं हुए थे, कई बुजुर्ग जो हैं अब हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो दूसरा ये कि कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा एज ए पॉलिटिशियन टू एक्सचेंज द व्यूज़ के इनके क्या ख्याल हैं जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी इनक्रेजमेंट के लिए और ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं अफगानिस्तान कश्मीर और अंदरूनी हमारे जो मामलात हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत उनको आगाह करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी आज मीटिंग हुई है और एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। अच्छा जाज साहब, आप इंग्लैंड में हैं और बड़े मियाँ साहब भी इंग्लैंड में हैं, क्या कोई इरादा है उनसे कोई मुलाकात करने का? मियाँ साहब से अभी मुलाकात का तो कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं अपने निजी दौरे पर आया हूँ, कोई सियासी दौरा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका इलाज वगैरह यहाँ पर चल रहा है तो इसलिए मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में एक तो महंगाई का बड़ा मसला है, वो तो है ही है, इसके अलावा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसके बाकी जो इकदाम हैं उनसे क्या आप खुश हैं? देखिए, बात खुशी की नहीं है, हमारे लिए सब पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान पहले आता है सबसे, और उसको लाने के लिए जो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा हम सब उसको अप्रिशिएट करेंगे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 27 अक्टूबर को यौम सियाह के मौके पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने की तैयारियों में मसरूफ अमल हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बरतानिया के शहर ल्यूटन में मीडिया से गुफ्तगु करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि भारत का भयानक चेहरा दुनिया को दिखाया जाए। 27 अक्टूबर वो दिन है जब भारतीय फौजें कश्मीर में दाखिल हुई और आज तक उनका जाबराना गासबाना कब्जा कायम है। अब भी 9 लाख भारतीय फौज वहाँ पे रियासती दहशतगर्दी की मुर्तकिब हो रही है और नहते मकबूजा कश्मीर के लोग फिर भी उसका मुकाबला कर रहे हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जो हम बैरून मुल्क कश्मीरी हैं वो भी अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में 27 अक्टूबर को 1 बजे हम सब वहाँ भारतीय हाई कमीशन के सामने जमा होंगे और वहाँ से फिर हम एक मार्च की सूरत में 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं उनकी रहायशगाह तक जाएंगे, जहाँ पर उन्हें याददाश्त पेश की जाएगी। इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला 28 अक्टूबर को जो भारतीय हाई कमीशन है वहाँ से लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट तक हम करेंगे। इसी तरह जो 29 अक्टूबर है वो हम जो हॉलैंड का दारुल हुकूमत है दी हेग, वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, वहाँ हम उसके सामने इंशाल्लाह मुजाहरा करेंगे। और 30 तारीख को हम पेरिस में इंडियन हाई कमीशन और वहाँ पे रिपब्लिक एक है जगह, वहाँ से हम एक मुजाहरा करेंगे। तो इस तरह ये हमने जो 27 अक्टूबर है इसको हमने तसलसल में 4 दिन कर दिए हैं, 4 रोज़ लगातार मुजाहरे होंगे और 4ों मुजाहरों में मैं शरीक हूँ। ओल्डहम की सियासी और समाजी शख्सियात और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के बरतानिया में खादम खास राजा आफ्ताब शरीफ की वालिदा मुख्तसर अलालत के बाद खाले के हकीकी से जा मिली। उनकी नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ओल्डहम की सियासी और समाजी शख्सियत और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के बरतानिया में खादम खास राजा आफ्ताब शरीफ की वालिदा मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने पढ़ाई, जिसके बाद उन्हें ग्रीन एकर्स कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। करीबी रुफका दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब ने पसमानदगान से दिली इजहार ताज़ियत करते हुए मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की। राजा आफ्ताब शरीफ, राजा इम्तियाज़ शरीफ और राजा उमर शरीफ से दोस्तों रिश्तेदारों ने इजहार अफसोस किया और ताज़ियत की दुआ की कि अल्लाह पाक मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। राजा आफ्ताब शरीफ ने नमाज जनाजा में आने वालों का शुक्रिया अदा किया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डहम। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीकी सदर के नुमाइंदे खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली जॉन कैरी से मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में सऊदी अरब की जानिब से ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर के मामले खसूसी जॉन कैरी से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों और चैलेंजेस का सामना है जिनको आलमी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत है। तहम मौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में 10 बिलियन ट्री मनसूबा शुरू किया गया है। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जारी तआवुन के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि US वर्किंग क्लाइमेट एंड वर्किंग ग्रुप सरगर्मियों को सराहा और दो तरफा तआवुन पर गुफ्तगु की गई। अमरीकी सदर के मुआवने खसूसी बराए मौसमियात जॉन कैरी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों पर मनफी असरात को रोकने के लिए जो इकदाम कर रहा है वो यकीनन अहम है। जो बाइडेन इंतजामिया इस हवाले से मजीद तआवुन को बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म और जॉन कैरी के दरमियान अफगानिस्तान के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तआवुन करे और मुआशी बदहाली के सबब होने वाले मुमकिन इंसानी अलमिये को रोकने के लिए अमली इकदाम उठाए ताकि अफगान अवाम बेहतरी की जानब गामजन हो सकें। सऊदी अरब में वफाकी मुशीर खजाना शौकत तरीन और वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने सऊदी सरमायाकारों और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौाक़ों के बारे में आगाह किया। सऊदी दारुलकूमत रियाज में मुशीर खजाना शौकत तरीन और वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर के हमराह सऊदी अरब के कारोबारी और सरमायाकारों से मुलाकातें की और इन्हें पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के मौाक़ों से आगाह किया और इस हवाले से हुकूमती इकदाम से भी आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान कारोबारी और सरमायाकारी के हवाले से आइडियल मुल्क है और पाकिस्तान भर में गवादर समेत कई एक ऐसे मुनाफा बख्श मनसूबे मौजूद हैं जिनसे सऊदी और दीगर गैर मुल्की सरमायाकार बेहतर अंदाज में फवायद हासिल कर सकते हैं। दारुल उलूम कादरिया जलानिया के ज़ेर एहतमाम 37वां सालाना मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जुलूस वाल्थम स्टो लंदन में मुनक़द किया गया जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और नातखां हजरात ने शिरकत की। जुलूस दारुल उलूम कादरिया जलानिया से शुरू होकर मखसूस रास्तों से होता हुआ वापस दारुल उलूम कादरिया जलानिया पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर 41वें सालाना रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह लंदन में भी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शान तरीके से मनाया गया। इस सिलसिले में वाल्थम स्टो के दारुल उलूम कादरिया जलानिया के ज़ेर एहतमाम सालाना 37वां मिलाद नबी का जुलूस मुनक्कद किया गया जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम नातख़्वां हज़रात और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। इस जुलूस को यूरोप और बरतानिया का सबसे बड़ा जुलूस मिलाद होने का भी एजाज हासिल है। जुलूस के रास्तों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। जुलूस दारुल उलूम कादरिया जिलानिया से शुरू होकर अपने मखसूस रास्तों से गुजरता हुआ दारुल उलूम कादरिया जिलानिया पर ही आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्ते में जुलूस की खिदमत के लिए मुख्तलिफ अफराद की जानब से स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस मौके पर रजाकारों की टीमें जुलूस को मुनज्जम करने के लिए मौजूद थी जबकि पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी के लिए बड़ी तादाद में तैनात किए गए थे। मुफक्किर पीर सैयद अब्दुल कादर शाह जिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहद नजरियाती मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, आज उसके चलने की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की माशी गुरबत को खत्म करे। पाकिस्तान दुनिया का एक वाहद नजरियाती मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, इसलिए उसकी इर्तिका और बका के लिए आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए और आपस में अमन अमान की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, आज पाकिस्तान के चलने की मुखालफत करते हैं। इस मौके पर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने कहा कि मिलादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक हुसना को मशले राह बनाएं। पूरी उम्मत को चाहिए कि आपकी तलीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करें। दुनिया और आखिरत की निजात का वाहिद रास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात की पैरवी में है। इस मौके पर पैगाम ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को अपनाएं, हुजूर के अखलाक हसना को अपनाएं और अपनी तबीयतों में अपने मिजाज में निपरा तब्दीली पैदा करें। चेयरमैन ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली ने इस मौके पर कहा कि आज दुनिया भर से हजारों आशिकान मुस्तफ़ा जुलूस में शरीक हुए। उलमाए किराम ने अच्छे पैगाम दिए और खास तौर पर नौजवानों के लिए अमन मोहब्बत का पैगाम है कि वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर पूरी तरह अमल पैरा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें वाल्थम फोर्स की गलियों में माशाल्लाह ठाठा मारता हुआ हमारा मिलाद जा रहा है
और आज जो आलम दीन आए उन्होंने बड़े अच्छे पॉजिटिव मैसेज दिए हैं, स्पेशली यंग जनरेशन को, हमारी यूथ भी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं। मुसलमानों का शौक़ जो है दीदनी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ये सरशार हैं और अपने आकाए नामदार ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हुए ये आज ये जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। आज मीलाद पाक के सिलसिले में वाल्थम स्टोर में एक अजीम शान जलसा जुलूस का इनेकाद किया गया है और इसकी सरबराही हज़रत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल क़ादिर शाह साहब जिलानी कर रहे हैं। आज हमने ये तजदीद अहद करना है कि अल्लाह का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है। आइए सब मिलकर नबी पाक की सीरत पर अमल करने की कोशिश करें। आज के हमारे जुलूस में पूरी दुनिया से हर नस्ल के बंदे, हर मुल्क के बंदे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको मिलाद मुबारक, और ये बहुत खुशी का दिन है, ये सवाब का दिन है, ये बनाना चाहिए। जुलूस में पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, पीर सैयद मजहर हुसैन शाह गिलानी, पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह, पीर सैयद हैदर अली शाह तिरमिजी, इलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, इलामा जुनेद आलम कादरी, इलामा मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी और दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज, लंदन। लंदन और गिरदरवा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात जारी हैं। वाटफोर्ड के जामे मस्जिद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बच्चों समेत भरपूर शिरकत, नई नस्ल को शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने के लिए ऐसी तकरीबात का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। वालदैन का इजहार ख्याल, वाटफोर्ड जामे मस्जिद में कलमा तैयबा और दुरूद सलाम पढ़ा गया। मजीद तफसीलात वसीम काजमी की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके नॉर्थ विटफोर्ड की जामिया मस्जिद में जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफल का इनेकाद मिलाद कमेटी के अराकीन नदीम अहमद, जाहिद जरीन, हाजी मोहम्मद मनीर समेत दीगर शख्सियात ने किया। रुख परवर महफल में मौलाना अली हैदर ताहिर, मौलाना कारी सलीम अख्तर, मौलाना आइनुद्दीन, कारी मोहम्मद बशीर नक्शबंदी मुजद्दी, अरशद अली अतारी, नासिर अली अतारी, मोहम्मद नवाज समेत जय्यद उलमा कराम ने भरपूर शिरकत की और शुरका को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी जिंदगियां बसर करने का दर्स दिया। उलमाए कराम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहालत के अंधेरे छट गए, आपके नूर से कायनात का जर्रा जर्रा जगमगा उठा। मुकर्ररीन का कहना था कि हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की खुशी में महाफिल सजाते हैं, जिनका मकसद आप सल्लल्लाहु वसल्लम की तलीमात से अपने दिलों को मुनवर करना है। इसके साथ साथ नौजवान नस्ल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात से आगाही फराम करना भी है, ताकि मगरबी माशरे में दीन मुहम्मदी की शमे रोशन रहें। The main message for the youngsters with regards to such gatherings is that when we attend such gatherings, we increase our love for the best of creation sallallahu alaihi wasallam. Now, what does this do? Increasing your love for the best of creation sallallahu alaihi wasallam in actuality means you are following the path of Islam in a better mannerism. Allah ka khas karam hai, sari tareef uski hai, jisne aisa mahboob hame diya ki jiski tareef Allah rabbul izzat ne khud farmayi hai. और ये ईद की ये तकरीबात जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल जो है इसको हमने इस तरफ लाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से नौजवान बच्चे मौजूद हैं और हम इसी वजह से इंग्लिश के अंदर और दूसरे मतलब है कि ज़बानों के अंदर ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को जो है वो इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इज़हार और क्यों हम मोहब्बत करते हैं उसका पता चल सके। हर साल जो मिलाद पाक का एहतमाम किया जाता है उसमें यंग नस्ल के लिए उनको ये सबक दिया जाता है, ताकि वो नौजवान आने वाली नस्लें जो इसको लेके चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ोजल दावत इस्लामी इसका एहतमाम कर रही है। पूरे दुनिया में सरकार का यानी कि महीना है, इसको मनाया जाए इनके आपका, क्योंकि जो कुछ मिला है सब सरकार के सदके माशाल्लाह। Today we are gathered here to celebrate the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Watford community come together every year to take note of this blessed month. In sharing speeches. महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातख़्वां हज़रात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। तेरे
आई अज सब दिया असा सब दिया झोलिया भर दे मौला तेनू दाई खलीमा दवा। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की जिनमें बच्चे भी शामिल थे। आखिर में वलादत बासआदत की खुशी में शुरका महफल में मिठाई तकसीम की गई। महफल के इख्तिताम पर शुरका को मुए मुबारक की ज्यारत करवाई गई जबकि उम्मत मुसलमान के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। वसीम काजमी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह वॉल्सल में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जुलूस और महाफिल का अहतमाम किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं इरफान अहमद फराज की ये रिपोर्ट। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह वॉल्सल में भी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर जलूस और महफिल मिलाद का अहतमाम किया गया। जलूस की सरबराही अजीम रूहानी पेशवा पीरे तरीकत रहबर शरीयत सूफी अब्दुल्ला आतिक नक्शबंदी ने की, जबकि इस तारीख साज जलूस की क्यादत अहले सुन्नत के अजीम स्कॉलर मुफ्ती हारून रशीद, डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, मौलाना राशिद रिजवी, सैयद मुनीब हुसैन शाह बुखारी और खलीफा जवेद अख्तर ने की। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलूस मुख्तलिफ रवायती रास्तों से गुजरा जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर फिजा लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं से गूंजती रही। जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर शुरका की ज़ियाफ़त का भी अहतमाम किया गया था। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ जामिया मस्जिद गौसिया पर जाकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। जलसे में बरतानिया के सनाव खान, लाला कदीर अहमद कदीर, उस्मान नसीम ने खूबसूरत अंदाज में हदिया नात पेश करके शुरका के दिल मोह लिए। पाकिस्तान से आए हुए सना खान मुस्तफ़ा, अदनान अली हुसैनी, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह काजमी और उस्मान उबैद कादरी ने भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश किए। हर चीज को तखलीक किया नक्शा हजूरदा सोने नालू सोना चेहरा हजूरदा सोने दी अज आमद है उस सोने दी जेड़ा तो जग नालू सोना जलसे से खताब करते हुए उलमा कराम ने इस बात पर जोर दिया कि जहां हम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का भरपूर एहतमाम करते हैं वहीं हमें अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी भी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। सारी कायनात हुजूर की फरा, ये हुजूर की शाखी, जिस तरह के यूं कहा जा सकता है अपनी देसी बोली में कि दरख्त तब कायम रह सकता है दरख्त के कायम होने की बुनियाद उसकी जड़ें, जिस दरख्त की जड़ नहीं है वो दरख्त दरख्त नहीं है, जिस दरख्त की जड़ें कायम नहीं है वो दरख्त कायम नहीं रह सकता है। जो कायनात का खालिक है, जो कायनात का मालिक है।
इस मौके पर मस्जिद इंतजामिया की तरफ से शुरकाए महफल के लिए मोए मुबारक की ज्यारत और लंगर मिलाद का खसूसी अहतमाम किया गया। दो खुश नसीबों को कुरानदाजी के जरिए उमरे के टिकट भी दिए गए। जलसे के आखिर में मुफ्ती हारून रशीद ने उम्मत मुसलमा बिलखसूस वालसन में मुकीम मुसलमान कम्युनिटी के लिए खसूसी दुआ मांगी। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज, वालसन। स्विट्जरलैंड के शहर बासल में मरकजी जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही साहबजादा सैयद अली जलानी ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी सफ़ीर पाकिस्तान आमिर शौकत और यूरोप के मशहूर नातखां पीर सैयद जाफर अली शाह सवाती थे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मज़ीद तफ़सील जानेंगे इस रिपोर्ट में। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से सैयद अली जिलानी ने किया। आका के हजूर नातों के गुलदस्ते मोहम्मद नसीर महमूद हसन शाह सैयद जैन जिलानी रियाज दीन अंबर जिलानी और इसबा हैदर ने पेश किए। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान आमर शौकत ने खताब करते हुए कहा कि कुरान शरीफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और यही हमारे लिए मशलरा है। अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना को अपना लें तो न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी हम सुरखरू होंगे। ये आज मैं इस तकरीब में शिरकत कर रहा हूँ जो ईद मिला नबी के हवाले से पाकिस्तान कम्युनिटी ने इसका इंतजाम किया है सैयद अली जिलानी साहब ने। ये बहुत ही एक अकीदत मंदाना सादत मंदाना तकरीब है जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मुनक़िद की जा रही है। मुझे बहुत मसरत हो रही है कि मैं इसमें शामिल हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सैयद अली जिलानी ने अपने खिताब में कहा कि कुरान में खुदा फरमाता है कि जब तुम्हें खुदा का फजल और रहमत अता हो तो खूब खुशियाँ मनाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और नेमत हैं। इनके मिलाद पर हमें बे इंतहा खुशियाँ मनानी चाहिए। सरकार का जिक्र जो है वो खुदा ताला ने दुनिया में बुलंद फरमा दिया है। तो आज आप देखें कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जिक्र मोहम्मद ही ना हो रहा हो और जिक्र खुदा ना हो रहा हो। तो ये सब खुदा का करम है और जिसकी वजह से क्या नाम है हर मुल्क में उनका जिक्र हो रहा है। और हमें जो अब कोशिश करनी है वो ये करनी है कि सीरत नबी पर हम अमल करें और जो भी आकायद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है हम उस पर अमल करें। माशाल्लाह बहुत मजा आया। मैंने भी नाज शरीफ आकल असलातम की बारगाह में गुल हकीदत पेश किए गए। अंबर जलानी साहिबा जो है हमारी वादी साहिबा उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत नातें सुनाई। तमाम सनाखान रसूल जितने भी थे हर एक ने बड़ी अकीदत से बड़ी मोहब्बत से गुलहाय अकीदत पेश किए। यूरोप के मशहूर नात ख्वान सैयद जाफर अली शाह ने अपने मखसूस अंदाज में खूबसूरत नातिया कलाम पेश करके लोगों के ईमान को ताज़ा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मौके पर हाल आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों और दरूद सलाम की सदाओं से गूंजता रहा। आखिर में सैयद अली जिलानी ने इज्तमाई दुआ कराई। शुरकाए महफल के लिए लंगर मिलाद सजाद खान और राजा फयाज ने तैयार किया। जुल्फकार अहमद मोहम्मद अख्तर खालिद गुजर मोहम्मद खान ने तमाम मेहमानों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर डॉक्टर शहबाज गिल का कैनेडा के शहर टोरंटो में एक एहतिमाम से खिताब करते हुए कहना था कि वजीर आजम ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क का सरमाया करार दिया है। जितना किरदार मुल्क की मईशत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का है किसी और का नहीं। यही वजह है कि हुकूमत अपने इन शहरियों को वोट का हक देने के लिए जल्द असम्बली में बिल पेश करेगी। मजीद तफसीला जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर डॉक्टर शहबाज गिल का मजीद कहना था कि उम्मीद है कि अपोजिशन पार्टियों की मशावरत से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का बिल पास कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत निचले और मतवसत तबके के मसाइल हल करने में दिन रात मसरूफ अमल है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कैनेडा में और अमरीका में रहता है या यूरोप में रहता है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी है जो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया में रहता है, जिसके पास एक आरसी वीजा है, वो वहां पर नौकरी कर रहा है 2 साल 4 साल 5 साल, बीवी बच्चे माँ सब कुछ पीछे घर पे है, जो कमाता है वो भेज देता है और उसको पता है 2-3 साल के बाद उसने वापस जाना। ये वोट के हक का सबसे पहले हकदार वो ओवरसीज पाकिस्तानी।
ओवरसीज फोरम के चेयरमैन शाहिद रांझा के इस मौके पर कहना था कि हम ओवरसीज फोरम से अपने गरीब पाकिस्तानियों की माली इमदाद, उनके बच्चों की शादियां, उनकी मुलाजमतों का इंतजाम अपने तौर पर करते हैं। खार खैर का यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। पंजाब असम्बली के मेम्बर हाजी अफजल चंद का इस मौके पर कहना था कि पंजाब हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रही है। इसके अलावा ओवरसीज की जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए भी दिन रात काम किया जा रहा है। तकरीब के मेजबान वकास गोंदल ने इस तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमान हजरात का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया।